चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की और इस खास दिन को अब से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो में इस दिन को यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में इसरो कार्यालय पहुंचे और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को चंद्र मिशन के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री के लिए एक खास प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने इसरो वैज्ञानिकों के सामने कुछ खास संदेश दिए। इसरो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है, उस दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होता। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का चंद्रमा लैंडर उतरा उस बिंदु को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने अन्य वैज्ञानिकों के साथ साथ चंद्रयान की सफलता के पीछे महिला वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता में महिला वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई है। शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि आपने पूरी पीढ़ी को जगाया है और उन पर अपनी छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। ज्ञात हो कि भारत ने बुधवार शाम 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुआ था। इसरो वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष यान बन गया। पचास हजार लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।